हेलो एवरीवन चलो स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है तो स्ट्रॉबेरीज़ के सारे रेसिपीज़ ट्राई कर लेते हैं अदरवाइज़ स्ट्रॉबेरीज तो महंगे हो जाएंगे और हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे तो चलो आज स्ट्रॉबेरी का वॉफल बनाते हैं अगर आपके पास वॉफल मेकर हो तो आप इजीली बना सकते हो अगर आप वॉफल मेकर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं आप सेम बैटर का पैनकेक बना सकते हो या फिर सैंडविच मेकर में भी आप बना सकते हो पैनकेक तो तवे पे भी बना सकते हो आप या सैंडविच मेकर में भी आपका इजीली बन जाएगा तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे उसमें एक कप मैदा लेना है और हाफ कप शुगर पाउडर मतलब तो मैंने हाफ कप से भी थोड़ा कम लिया है शुगर पाउडर और यहाँ पे उसका भी हाफ़ जितना हम शुगर लेंगे उसका हाफ़ हमें ऑयल लेना है तो ऑयल आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हो तो यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो आप तो मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है सोयाबीन वाला आप कोई भी ले सकते हो तो बस इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के तो अराउंड इसमें वन कप ही दूध भी लगेगा तो थ्री फोर्थ कप से लेके वन कप तक का लग सकता है तो आप कंसिस्टेंसी थ्री फोर्थ कप वाला भी बना सकते हो या वन कप वाला भी बना सकते हो तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे ताकि लम्स ना बने मतलब गुटलियाँ ना बने इजीली थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे इसमें तो फिर बैटर जल्दी बन जाएगा और काफ़ी अच्छा बैटर बनेगा हमारा तो मैंने के साथ ही इसमें वन टी बेकिंग पाउडर भी डालना है तो मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा था तो मैं इसे बाद में बनाने वाली थी तो इसलिए मैंने लास्ट में बेकिंग पाउडर डाला है तो आप पहले भी डाल सकते हो तो यहाँ पे मेरा बैटर रेडी हो गया है तो मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था और फिर मैंने रिटर्न आने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर डाल के और फिर बनाया तो जब भी आप बनाने जाएंगे तभी आपको बेकिंग पाउडर डालना है तो पहले से ऐड करके नहीं रखना है ऐसे कर सकते हो कि आप सर्दियों में ये ख़राब नहीं होता है बैटर तो आप रात को बना के रख सकते हो और मॉर्निंग में आप इसका बेकिंग पाउडर डाल के पैनकेक या वॉफल कुछ भी बना सकते हो तो बैटर को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था फिर रिटर्न आने के बाद मैंने उसमें वन टी बेकिंग पाउडर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप दूध भी हल्का से डाल सकते हो अगर आपका बैटर गाढ़ा हो गया तो एक दो चम्मच दूध डालना है ज़्यादा नहीं डालना है तो बस इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे अच्छे से और बैटर हमारा ऑलरेडी फुल गया है तो एकदम मस्त सा मोफल बनेगा तो वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेस्ट होने के लिए फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स या हाफ एन आवर भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग रख सकते हो या फिर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो आप तुरंत बेकिंग पाउडर डालिए और तुरंत मिक्स करो और तुरंत बनाइए तो ऐसे फ्लोइंग बैटर होना चाहिए रिबिन कंसिस्टेंसी में कहते हैं इसे लाइक फ्लो होने पर रिबिन सा बन जाता है हमारा बैटर रेडी है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी व बना रहे हैं तो फिर मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए थे 150 फिफ्टी ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये तो इसको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे तो मैंने इसको चॉप करके एक बाउल में निकाल लिया ये देखिए तो अब इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे थोड़ा सा ताकि जो स्ट्रॉबेरी में हल्का खट्टापन होता है तो अभी स्ट्रॉबेरीज उतने अच्छे नहीं आ रहे थे हल्के खट्टे आ रहे थे तो हल्का जो खट्टापन होता है वो खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा तो एकदम स्ट्रॉबेरी क्रश होता है उसकी तरह आने लगेगा या फिर आपको और अच्छा टेस्ट लाना है तो आप पैन पे इस मतलब गैस पे इसको रख के पैन पे थोड़ा सा पका भी सकते हो लाइक हम जैम बनाते हैं उस तरीके से तो पूरा हमें जैम बनने तक नहीं पकाना है बस शुगर और ये स्ट्रॉबेरी डिज़ोल्व होकर एकदम मिक्स हो जाए तो बस उतना ही पकाना है तो स्ट्रॉबेरीज को मैंने चॉपर में चॉप किया था इसलिए वो एकदम से चॉप हो गए थे तो आप इसको बारीक बारीक नाइफ़ से भी कट कर सकते हो या फिर चॉपर से चॉप कर सकते हो तो बस वॉफल मेकर को प्री हीट कर लेंगे और उसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा बैटर चिपके नहीं तो बटर अच्छे से लगाना है आपको और बस हमारा बैटर थोड़ा सा लेंगे वो डाल देंगे एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है वो इसी बैटर में पहले से मिक्स करके फिर आपको बनाना है तो फिर आप स्ट्रॉबेरीज uh, में चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें चीनी है तो वो मेल्ट होकर फिर चिपकने लगेगा आपका बैटर और पूरा वॉफल खराब हो जाएगा तो मैंने क्या किया इसीलिए मैंने स्ट्रॉबेरीज में चीनी अलग से मिलाया ताकि वो बीच में हम ब्रेड और जैम खाते ना वैसा वाला टेस्ट आएगा तो मैं बीच में वो स्ट्रॉबेरी क्रश को ऐसे लगा दे रही हूँ तो एकदम से मतलब एकदम मस्त हो सा टेस्ट आएगा हमारा वॉफल और ऊपर से फिर से मैं बैटर थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि ये बीच में रह जाए हमारे स्ट्रॉबेरीज और एकदम अच्छा सा टेस्ट आए तो आप दो तरीके से बना सकते हो एक तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को इसी बैटर में मिक्स करके भी बना सकते हो और चीनी ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा दोनों भी चलेगा तो और एक तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि स्ट्रॉबेरीज़ को इसको बीच में रख के फिर आपको करना है तो इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली स्ट्रॉबेरीज मेल्ट हो के मैंने उसमें शुगर मिलाया था तो वो अच्छे से नहीं बन पाया बट एक तरफ से अच्छे से शेप नहीं आ पाया क्योंकि वो स्ट्रॉबेरीज मेल्ट होके हो गए थोड़ा इधर उधर हो गए थे तो ये देखो दूसरी तरफ से अच्छे से शेप आया तो हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी वॉफल रेडी हो गया तो अब ये थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है लेकिन अंदर से स्ट्रॉबेरीज भरे तो टेस्ट में काफ़ी अमेजिंग था इसको आप ऐसे भी खा सकते हो तो मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी क्रश पड़ा हुआ था तो फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से इसको डाल के और भी टेस्टी बना देते हैं तो इसके ऊपर से अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं है तो जो हमने स्ट्रॉबेरी में चीनी मिला के रखा था वो बचा होगा ऑलरेडी तो वो आप ऊपर से डाल के गार्निश कर सकते हो और सर्व कर सकते हो तो इसको गरम गरम सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब हल्का ठंडा होने पे क्रिस्पी अंदर से और अंदर से सॉफ्ट एकदम केक का पैन का भी इसमें टेस्ट आता है और लेकिन क्रंची होता है तो काफ़ी अच्छा होता है तो जल्दी ये वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाय